2 साल इस सरकार के हो गए और इस 2 साल के अंदर इस सरकार ने जो अपने सफलता के ढिंढोरे पीटे, वो उसके ढिंढोरे उन्हीं के मुंह से, उन्हीं की जबान से लोगों के पास जो है वो मुंह आए, और मैं कह सकता हूँ कि हास्यास्पद रूप से उसको चिढ़ाने वाले जैसे स्थिति में पहुंचा दिया। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के नाम पर किस तरह से जनप्रतिनिधियों का शोषण किया गया है, ये आप कभी जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे तो पता चलेगा। आपको मालूम होना चाहिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के लिए जो टेंटों की व्यवस्था होती है, जो खाने पीने की जो व्यवस्था होती है, जो भी वहां पे स्टॉल लगे रहते हैं, आप पता करके देख लीजिए, किसी भी स्टॉल या टेंटों की व्यवस्था के लिए कोई सरकार की तरफ से कोई भी फंड की व्यवस्था नहीं की गई थी। वो माननीय जनप्रतिनिधियों को, जो मुखिया जो हैं, उनको कहा जाता था कि आप सारी व्यवस्थाओं की तैयारी करें। अब ये सारी व्यवस्थाएं तैयारी करने के लिए जब आपके पास फंड नहीं होता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो फंड उसको रेज करने के लिए या फिर उसको करने के लिए जब आप अपने पॉकेट से या फिर कोई दूसरे कार्यों से आप लगाते हैं, तो मुखिया जी का कितना पैसा है और कैसे करेंगे, तो समझ सकते हैं कि पूरे राज्य की सरकार की ओर से पूरी तरह से भ्रष्टाचार का नींव कैसे हम लोग नीचे अंकुरित करें या फिर उसको कैसे हम लोग बीजारोपण करें, उसका पूरा एक कवायद जो है 1 महीने 1.5 महीने 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर से, स्थापना दिवस के अवसर से चलाया गया। 29 तारीख जब इस सरकार के 2 साल हुए, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार का एक ताना बुना है। मैं कहना चाहता हूं कि वे सरकार जिस दिन से आई है, इसका पूरा फोकस अपने वायदे, अपने घोषणे और इसके इतर या करके सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही रहा है। और पूर्व के वक्ताओं ने भी आपको बताया होगा कि किस तरह से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी ये सरकार, जल जंगल जमीन का नाम लेकर के सरकार में आई है। जो स्थानीय मूलवासियों, आदिवासियों, दलितों के नाम पर सरकार में आई है, वो जब से आई है तब से इन सारे लोगों का शोषण दोहन ही कर रही है। पहले तो इन्होंने झूठ बोला, झूठ बोल करके सत्ता में आए, फिर लूट की एक दहशतगर्दी मचा दी है। तो झूठ और लूट के 2 साल रहे इनके। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज जब हम लोग यहां बात कर रहे हैं, तो इस 2 साल में राजस्व विभाग की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। म्यूटेशन के नाम पर करीब करीब 70,000 से ज्यादा पेंडिंग केसेज है। मेरे पास आंकड़े हैं, आपके पास मैं चाहूंगा तो आप दिखा दे सकते हैं। पेंडिंग केसेज 70,000 से ज्यादा हर अंचल में, 70,000 से ज्यादा पेंडिंग केसेज अभी पड़े हुए हैं। बहुत सारे, जैसे मैं अभी कल ही बैठा था चास अंचल में, चास अंचल का जो है वो आपका लॉग इन जो उनका ये होता है, पोर्टल होता है, वो नहीं खुल रहा, पिछले 6 महीने से नहीं खुल रहा है। 6 महीने से आप समझ सकते हैं, 6 महीने से जब पोर्टल नहीं खुल रहा है तो लोगों को किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंचल के भ्रष्टाचार का आलम यह है कि भाई हर जगह हजारों रुपया, लाखों रुपया में इसका जो है म्यूटेशन के लिए बोली लगाई जा रही है। और जब आप उस जो डिमांड है उसको जब तक आप अचीव नहीं करेंगे, जब तक आप उसको बोलेंगे नहीं, आए उस पर आप अपने आप को उसका चढ़ावा जिसको कहते हैं वो नहीं करेंगे, तब तक वो होता भी नहीं है। और यदि वो आपका यदि काम बन गया बिचौलिए के माध्यम से, तब फिर वो पोर्टल भी खुल जाएगा और फिर आपका काम भी हो जाएगा। इस तरह के प्रैक्टिसेस यहाँ पे चल रहे हैं। आपको मालूम होगा इसी झारखंड के अंदर, इसी राजधानी के अंदर अपने राजस्व विभाग के डिपार्टमेंट से, आपको मुझे खाता नंबर ठीक से याद नहीं आ रहा, 139 या कुछ खाता था यहाँ पे रांची का, जिसका SIT जांच का पूरा फाइल लगभग 4 महीने गायब रहा है। ये आप सबके जानकारी में, आप ही लोगों ने निकाला है, आप लोगों ने बताया, 4 महीने के करीब वो पूरी फाइल गायब रही। फाइल ऐसी गायब रही SIT, जो किसी सचिव या विभागीय सचिव या उसके कनीय सचिव के यहां से वो पूरी फाइल ही गायब हो गई। उसके ऊपर केसेज भी हुए, फाइल गायब होने के पूरे हड़कंप मचा। पहली बार होगा पूरा झारखंड प्रदेश में, और शायद पता नहीं किसी दूसरे राज्य के अंदर भी ऐसा कुछ घटना हुआ होगा कि झारखंड के अंदर राजस्व डिपार्टमेंट से एक SIT की पूरी फाइल गायब हो जाती है, एक विशेष अंचल का और विशेष मामले को लेकर के, और फिर उस पर केसेज लॉज होते हैं। केसेज लॉज होने के बाद नाटकीय ढंग से 3-4 महीने के बाद वो फिर फाइल वापस वहीं पे कहीं एक जगह पे मिलती है। लेकिन जो केस लॉज किया गया, केस में जो भाई जो पहले मिसिंग हुआ फिर फाइंड आउट हुआ, तो उसमें कौन दोषी है क्या है, वो जांच सिर्फ खानापूर्ति बनकर के रह जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप देख रहे होंगे कि सभी जगह, जितने भी जगह हैं आज, जैसे राजस्व की चोरी की अगर हम बात करें, तो कहीं भी बालू के घाटों का निरामी नहीं हुआ है।
संथाल परगना से लेकर के कहीं पर भी बालू के घाटों का नीलामी नहीं हुआ है, कहीं भी पत्थरों का जो है चालान नहीं कटा है, लेकिन बालू आज किसी नदी में बचा हुआ नहीं है। पत्थरों के लिए रैक बुकिंग की जा रही है और पत्थर जो है वो यहां से रैक से निकल करके चले जा रहे, कैसे जा रहे पता नहीं, लेकिन कम से कम करोड़ों 100 करोड़ से ज्यादा रुपए के राजस्व की चोरी इस सरकार के अंदर इस सिर्फ 2 साल के दरमियान में इस सरकार ने किया। एक मैं कह सकता हूं एक ऐसी प्रतिस्पर्धा और एक ऐसा जुनून इनका दिख रहा है भ्रष्टाचार में कि मधु कोड़ासी के शासन काल में जो झारखंड जिस कारण से बदनाम हुआ था आज वही तीनों लोग संजोग से साथ में है। मधुकोड़ जी के शासनकाल को जो झारखंड के सबसे स्याह इतिहास से जो दिखलाता है जो शासनकाल सबसे स्याह इतिहास और झारखंड के बदनामी का जो पूरा जो दिखा जाता है दिखलाया जाता है वो उसके शासनकाल को दिखाया जाता है। एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर के किस तरह से कांग्रेस और आरजेडी ने किस तरह से उस पर काबू करके और कैसे लूट का एक पूरा महागाथा लिखा, ये पूरे लोकतांत्रिक इतिहास में और भारत गणराज्य में एक अपने तरह का एक उदाहरण था। और उसी काम को वापस आज यही जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन की सरकार वही काम कर रही है, यहां से पैसों को उठा करके उगा करके यूपी के चुनाव है, पंजाब के चुनाव है, 5 राज्यों के चुनाव है, पैसों का जितना ज्यादा हो सकता है वो लेकर के जा रहा है। और इसी कारण से कहीं पंचायत के चुनाव भी नहीं किए जा रहे, क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव कर लेने से 15th फाइनेंस 14th फाइनेंस का जो पैसा है वो पैसा यदि सीधे ग्रामीणों तक और वहां तक पहुंच जाएगा तो फिर जो उसमें जो कमीशनखोरी का एक बड़ा जो अफसरों के माध्यम से कमीशनखोरी चल रही है आज बिना मुखिया के सिग्नेचर के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है बिना उनके सिग्नेचर के जो लॉगिन जो आपका डिजिटल साइन होता है उसी से पैसे निकाल चले जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार का एक पूरा ताना बाना नीचे से लेकर के ऊपर तक बनाया गया और इसमें सबसे ज्यादा राजस्व की चोरी की जा रही है और जो लोग राजस्व देने वाले आम नागरिक हैं उसके साथ भी एक क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। क्रूरता सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि आप किसी के शरीर को मारे या भाई फिजिकली आप उसको मार करके उसके या फिर टच करें, क्रूरता इस विषय पर भी होता है, उसको मानसिक रूप से आप कितने क्रूर होकर के कर रहे। 2 साल कोरोना के इस कालखंड में हम लोगों ने सब लोगों ने जो सहा है उसमें राज्य सरकार ने इस जो हम कह सकते हैं जो जो हमारा जो आज डिजास्टर है जो आज हमारे पास जो आपदा है उसको अवसर के रूप में इन लोगों ने अपने को तब्दील कर लिया है। जनता का जो आक्रोश है वो जनता का जब भी कोरोना से जब भी आप देखे होंगे जब भी कोरोना का कालखंड जब भी थोड़ा धीमा हुआ है जनता का आक्रोश रोड पे आया है, रोड पे ऐसा आया है 2 साल के अंदर में कि मुख्यमंत्री जी को समझना पड़ा है, मंत्रियों को समझना पड़ा है कि ये आक्रोश क्या है, बहुत कठिन आक्रोश और ये आक्रोश दिख रहा है। कोरोना ने कहीं ना कहीं इनको जो इस आपदा को अवसर में बदलने का जो एक काम कर रहे हैं ये झारखंड की जनता देख रही है और आने वाले समय में ये झारखंड की जनता निश्चित रूप से इसका पूरा जवाब इस राज्य सरकार को और इस गठबंधन को देने वाली है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।